खबर गुलाचीका से आ रही है। अदर थाना चीका में जीवन बीमा क्षेत्र में बढ़ रहे आर्थिक अपराध विवेचना तथा सतर्कता के संबंध में कार्यशाला आयोजित की गई है। कार्यशाला में ललित कुमार वरिष्ठ प्रबंधक लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के द्वारा बीमा क्षेत्र में हो रहे अपराधों तथा सतर्कता बिंदुओं पर प्रकाश डाला गया है। कार्यशाला को संबोधित करते हुए DSP गुला सुनील कुमार ने कहा, गुलाचीका क्षेत्र में साइबर क्राइम के मामले लगातार बढ़ रहे, जिसके चलते तीनों थानों के प्रबंधक पुलिसकर्मियों को कार्यशाला में ट्रेनिंग दी गई है ताकि साइबर क्राइम को रोका जा सके। वहीं DSP गुला सुनील कुमार ने कहा, साइबर क्राइम पर अंकुश लगाने के लिए ऐसी कार्यशाला का लगना बहुत जरूरी है। यदि किसी के साथ साइबर क्राइम हो जाए तो सूचना तुरंत हेल्पलाइन 1930 नंबर पर दी जाए ताकि खाते से ट्रांसफर हुई राशि पर रोक लगाई जा सके। क्राइम ब्रेकिंग न्यूज सनी के लिए खास रिपोर्ट, गुरदीप चाबा, गुलाचीका। फेसबुक पे फोटो डाल रखी मैंने, अपने DP पे लगा रखी, वो ट्रांसफर करके अपने फोन जो फोन नंबर यूज कर रहा होगा वो उस पे लगा के और आपको मैसेज करेगा, भाई मैं फलाना फलाना हूँ, DSP फलाना हूँ और आप इसमें जो गिफ्ट डलवा दीजिए या इतने पैसे डलवा दीजिए। कोई बंदा होगा जो जिसका थोड़ा दिमाग में स्ट्राइक करेगा, भाई वो वेरीफाई कर ले मेरे सरकारी नंबर पे या मेरा जो भी नंबर है, क्योंकि आधों से ज़्यादा के पास तो आपका मेरा पर्सनल नंबर ही नहीं होगा, वो वेरीफाई करने की सोचते ही नहीं, तो इस प्रकार से वो भी चीटिंग कर सकता है। तो आपने हर एक अननोन नंबर से कोई भी मैसेज आए, कोई भी कॉल आए, कोई भी अननोन लिंक आए, भाई इस नंबर पे इस लिंक पे क्लिक करो, उस लिंक पे बिल्कुल भी क्लिक नहीं करना है आपने। कोई गिफ्ट मिलेगा आपको इस नंबर इस लिंक पे क्लिक करो, कोई ये इंश्योरेंस पॉलिसी मिलेगी, तो मतलब आजकल बड़ा सजग रहने का टाइम है। तो इस पर सीधा वो पुलिस स्टेशन ही आएगा, ये पुलिस वाले को मिलेगा, हम उसको कितना कोऑपरेट करते हैं तो हमें देखना है। लगता है जब तूने ठगी हुई थी तेरे साथ, ये हमारे बस की नहीं, ठगी होगी, जा ऐसा कुछ नहीं बोलना, उसको सुनो, आपकी समझ में नहीं आता अपने सीनियर अधिकारी से मिलाओ, उसको लगेगा इस प्रकार से हम पीछे पड़ेंगे तो उसके क्राइम का जब ही होगा। और किसी के अगर 1,000 या 10,000 रुपए ठगे जाते हैं किसी आदमी को, आप अंदर से आप देखो आपके ठगे जाते हो कितना महसूस होता है, इसी प्रकार उनको होता है। क्योंकि सुनो, आपकी नॉलेज में वो नहीं है, जैसे बताया अपने SHO को बोलो, अभी ललित जी ने बताया हमें फ़ोन नंबर भी देंगे, वो पूछो, इन्वेस्टिगेशन में करने में दिक्कत आती है, इंक्वायरी में दिक्कत आ गया, फ़ोन करके पूछो जी ये इस प्रकार की कंप्लेंट आई है, हमें इंक्वायरी कहाँ से शुरू करनी चाहिए, कहाँ से रिकॉर्ड मिलेगा, इसमें हम जब मिलके काम करेंगे जब कंट्रोल हो जाएगा। उसको अगर हम इग्नोर करेंगे, किसी के साथ हो गया है तो बेचारा रोता पीटता आया, दो बार आया, तीसरी बार पूछा नहीं और कोई सुनने वाला नहीं है, वो क्राइम और बढ़ेगा। उसको रोकने के लिए एक सामूहिक है, इस ब्रांच से ललित जी ने जब ये बात बताई, ये काम है, मैं आपके साथ हूँ, जहाँ भी जाना हम चलेंगे। और ये आपके साथ भी कई कर्मचारियों के साथ ऐसा हुआ कि आपका जी मैं इस बैंक से बोल रहा हूँ और आपका एक कार लोन है, बोल दिया उसने कार लोन है या हाउस लोन है, बने कर्मचारी कुछ नहीं पूछेगा उसको कार की जरूरत है, सोचा कितना लोन देते हैं, कितने परसेंट देते हैं, जैसे उसी से आपको कोई अकाउंट नंबर वहीं से फ्रॉड शुरू कर देते हैं, वो देख लेगा कि किसकी मंशा क्या है। इन चीज़ों से बचना है, हमारे पास सभी के नंबर हैं, अगर उसको फोन काट देने को मेरे को जरूरत होगी मैं कर लूँगा, लोगों को भी ये बताओ मेरे को जरूरत होगी मैं कर लूँगा, जहाँ जरूरत है उससे फ़ोन दोबारा हो सकता है, जब उस फोन पे किया है हमारे को पता है किस कंपनी में मेरा किस बैंक में मेरा खाता है, हमारे पास भी फोन आते हैं आपका ये बनता है, मैं अपने आप कर लूँगा बैंक, उसको स्टॉप कर दिया और दोबारा बैंक का कोई ना कोई अकाउंट होता ही हमारे पास नंबर, वहाँ से वेरीफाई कर लियो, कहेंगे हमने तो फोन ही नहीं किया। यही चीज़ लोगों को बोलनी है, यही सबसे रिक्वेस्ट है। आज ICICI लाइफ प्रोडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी की तरफ से एक सेमिनार का आयोजन किया गया था, जिसमें सभी तीनों थानों से, गोला, चीका और सीवन थानों से पुलिस कर्मचारी बुलाए गए थे। और पर्पस यही था, हमारा मुख्य उद्देश्य यही रहता है कि पुलिस मुलाजमों को इस बारे में अवेयर करके, जो साइबर क्राइम हमारा बढ़ रहा है और जिस संबंध में पुलिस अधीक्षक महोदया साहब ने भी हमारे को आदेश दे रखे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसकी पहुंच करके और इस बारे में लोगों को अवेयर किया जा सके, ताकि साइबर फ्रॉड से लोगों को बचाया जा सके और उनके खून पसीने की कमाई को भी बचाया जा सके। तो इसी संबंध में तीनों थानों के पुलिस कर्मचारियों को इकट्ठा किया गया था और इनको साइबर क्राइम किस प्रकार से साइबर क्राइम होता है, जैसे अनवांटेड नंबर से कॉल आती है, उसके आप इंफॉर्मेशन
साझा करवाते हैं, तो इस प्रकार इनको सभी को समझाया गया कि किसी भी अननोन नंबर से कॉल आए तो उसको पहले तो हमारी यही कोशिश रहनी चाहिए कि उसको इंटरटेन ना करें। यदि इंटरटेन कर भी लिया है आपने तो उसको उसके साथ किसी भी प्रकार का नंबर किसी भी प्रकार की सूचना साझा ना करें, आपने अकाउंट से रिलेटेड या कोई भी ऐसी कोई सेंसिटिव इंफॉर्मेशन साझा ना करें। और तीसरा, इसके बारे में सभी को यह बताया गया है कि जब भी किसी कंप्लेनेंट कोई इस प्रकार की शिकायत लेके आता है तो उसको अच्छे से डील करना है, और इस बारे में एक हेल्पलाइन नंबर भी हरियाणा सरकार की तरफ से जारी की हुई है 1930, तो उस पर तुरंत यदि हम साइबर क्राइम के बारे में किसी के साथ घटित होता है तो उस पर यदि हम तुरंत प्रभाव से उस पर सूचना देंगे इस प्रकार के क्राइम के घटित होने वाले, तो उसमें पॉसिबिलिटी रहती है कि इस प्रकार के जो पैसे ट्रांजैक्शन हुआ है तो वो भी रुक सके और आपकी खून पसीने की कमाई बच सके।